आप लोग ऐसे कोई वेरिएबल कर रहे हो, और मैंने यहाँ से रिटर्न दे दिया, मतलब फर्स्ट करो 10 ट्रेवल करके इधर आ गया, लेकिन यहाँ अब उसके पास कोई जगह नहीं है स्टोर होने के लिए, तो हम क्या करते हैं, क्योंकि हमने x को प्रिंट करना था, हम कहते हैं x इज इक्वल टू, और आगे कौन से फंक्शन से वापस आ रहा है, इनपुट वैल से, तो इनपुट वैल और जिसका हमने पहले कॉल किया था। अगर हम लोग कोई वैल्यू रिटर्न कराना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको रिटर्न की आगे लिखते हैं, मेन में एक और वैल्यू वेरिएबल डिक्लेयर कराते हैं और उसको लिख देते हैं उसके इक्वल। अब एक्स को मैंने क्या कर दिया, अब बेसिकली जो इनपुट वैल से वैल्यू रिटर्न आएगी, मतलब एक्स के अंदर क्या वैल्यू है 10, तो 10 आएगी और वो किस में स्टोर हो जाएगी, इस एक्स में। और अब अगर आप लोग देखोगे, अगर हम इसको कंपाइल करें तो अब दो दफा हो गया। अगर दो दफा क्यों हुआ, क्योंकि एक दफा हमने ऊपर भी सी आउट लिखा हुआ है, नीचे भी लिखा हुआ है, तो हम इसको अगर हटा दें दोबारा करें, अब आप चेक कर लो, देखो कि अब हमने यहां पर सी आउट नहीं लिखा हुआ, तो अब किस तरह, अब ये प्रोसेस किस तरह चलेगा, सबसे पहले चीज आएगी इधर, इंटीजर एक्स एक लिखेगा, ठीक है, और वो कहेगा अच्छा एक्स इक्वल टू इनपुट वैल, इनपुट वैल आ गया, यहां से जंप मारेगा इधर आ जाएगा, यहां पर आके देखो इंट एक्स नाम का वेरिएबल है, देखेगा एक्स की वैल्यू 10 है, ठीक हो गया, और नीचे रिटर्न, अच्छा रिटर्न आ गया, यहां चेक करेगा कौन सा टाइप है, इंट है, अगर ये इंट ही है तो एक्स के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो रिटर्न करके किस में डालेगा, इस वाले एक्स में, और उसको अच्छा यहां पर, अब जब वो यहां से रिटर्न एक्स, मतलब यहां पर ये खत्म हो गया, वापस आ गया इस लाइन पे, इससे नीचे जाएगा और कहेगा जब सी आउट को मैंने एक्स की वैल्यू प्रिंट कर ली है, तो अब वो जब एक्स की वैल्यू प्रिंट करता है तो इसको हम हटा देते हैं, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाती है 10। तो इसको कहते हैं फंक्शन। अच्छा अब ये आप लोगों ने देख लिया, अगर आप लोग इनपुट वैल से वैल्यू यहां भेजना चाहते हो तो आप कैसे भेजोगे, लेकिन अगर अगर आप लोगों ने मेन से वैल्यू इनपुट वैल में, आपको ये जो आपकी छोटी सी आगे ब्रैकेट्स आप लोगों ने लगाई हुई है इसके अंदर कुछ लिखना पड़ता है। अब कैसे लिखना पड़ेगा, सेम प्रोसेस है, अगर आप लोग उसको, अब बेसिकली आप लोग यहां पर लिखोगे इंट जिस टाइप का भी वैल्यू लेना चाहते हो, और आप लिख दोगे y, ठीक हो गया, अब आप लोगों ने लिख दिया int y, और यहां अच्छा सॉरी, अब हम लोग इसको चेंज करते हैं, ये पीछे वाला हम लोग काम हटा देते हैं, ठीक है, इसको हम लोग हटा देते हैं, इसको भी हम वापस void कर देंगे, ठीक है जी, void कर देंगे, और ये भी रिटर्न वाली वैल्यू हटा देंगे, क्योंकि अब हम लोग कुछ भी रिटर्न नहीं करें, अब हम लोग वॉइड कर दिया, ठीक है, अब हम लोग उल्टा काम करेंगे, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम लोग कह रहे हैं कि वैल्यू भी हट जाएगा, अब हम लोग क्या कह रहे हैं कि यहां पर हमने वैल्यू, अब हम लोग यहां पर लेंगे प्रिंट, उल्टा काम करेंगे, यहां पर प्रिंट करेंगे और यहां पर हम लोग वैल्यू की, वेरिएबल की वैल्यू डिफाइन कर देंगे, इसको हम लोग हटा देंगे। अब चलो हम लोग इसको दोबारा से प्ले करते हैं। अब हमने क्या किया, हमने सारा प्रोसेस उल्टा कर दिया, पहले हमने वैल वाले में जाके कहते हैं एक्स इज इक्वल टू 10 क्या होता, अब हम लोग ने मेन वाले में कर दिया, और इसको भी हम अभी फिलहाल हटा देते हैं, क्योंकि अभी हमारा इसका कोई काम नहीं है अभी, और फिर हमने वही फंक्शन कॉल किया, तो फंक्शन यहाँ आएगा, कॉल होगा, यहाँ पर जाएगा, और फिर अब होपफुली देखते हैं क्या वो आउटपुट देता है हमें। जीरो, हालांकि हमने अब मेन में डिक्लेयर किया हुआ है तो वहां पर अभी तक वैल्यू जीरो है, क्योंकि हमने कोई वैल्यू वहां भेजी ही नहीं, लेते हैं, भेजने का तरीका ये है कि अब मैंने आप लोगों को कहा अगर आपने वैल्यू
आपने फंक्शन से वापस भेज दिया है तो आपने यहाँ पीछे एंट लिखना होता है और उसके बाद रिटर्न का ऑप्शन लिखना होता है। अगर यहाँ से यहाँ भेज दिया है तो आप लोगों ने यहाँ अंदर लिखना होता है। अब मैं लिख देता हूँ एंट वाई। एंट वाई में क्यों लिखता हूँ, बेसिकली होता यह है कि आप लोगों को डिफरेंट वेरिएबल लिखना होता है बताने के लिए कि आप लोग यहाँ से यहाँ ट्रेवल करने के लिए उसको कोई वेरिएबल चाहिए। समझ लो कि आप लोग, मैं जैसा वाक एंट में हूँ और मैंने पिशावर आना है तो मेरा भी कोई लिंक नहीं है, लेकिन मुझे कोई बोल देता है कि यार वो ली गाड़ी जाती है, तो मुझे उसने मुझे बताना है कि कौन सी गाड़ी जाती है, उस गाड़ी का नाम बताना है। तो मैं कह देता हूँ कि यहाँ पर ये वाई एक गाड़ी है जो मेन वाले से इनपुट वैल तक 10 की वैल्यू को लेकर आएगी। तो अगर मैंने अब लिख दिया इंट और वो कौन सा वेरिएबल, किस टाइप का गाड़ी है जो इंट वेरिएबल को लेकर आएगी। अब मैंने यहाँ पर लिख दिया कि वाई नाम की गाड़ी है जो लेकर आएगी, और मैंने कौन सी वैल्यू को ट्रांसफर करना है एक्स को। बिलाल एक मिनट, अच्छा आई एम सॉरी। अब मैंने भेजना किसकी वैल्यू को है, एक्स की वैल्यू को। तो मैं जिस तरह वहां पर मैंने रिटर्न एक्स लिख दिया था, यहां पर मैं लिख दूंगा एक्स। अब एक्स के अंदर जो भी वैल्यू है वो वाई के अंदर स्टोर होगी और यहां पर आ जाएगी, और ऑब्वियसली आपको यहां पर फिर से क्या करना होगा, एक्स इज इक्वल टू वाई, ताकि y की जो भी वैल्यू है वो x में स्टोर हो। तो अब हम कंपाइल कर लें तो अब आप देखेंगे वैल्यू। अब आप लोगों का अगर अब क्या हुआ, यहां पर वैल्यू डिफाइन हुई मेन में और वो ट्रेवल करके आपके इस वाले फंक्शन, अच्छा यहां पर ठीक हो गया। अच्छा अब ये सब बताने का मकसद क्या था कि आप लोगों को पता चल जाए कि आप लोग आर्डिनो में किन चीजों से काम करोगे। आर्डिनो में आप लोग ये जो आप देख रहे हैं ये इनपुट वैल, इसका के हजारों फंक्शंस नाम के फंक्शंस बने हुए हैं, और वो क्या करते हैं, वो कुछ वैल्यू वापस भेजते हैं और कुछ वैल्यू आप उनको भेजते हो। तो इन फंक्शन और आर्डिनो में आपको काम करना होता है, आपको फंक्शन से काम करना होता है। अब इन केस अगर आप लोगों को फंक्शंस की उस हद तक समझ नहीं आई, क्योंकि ऑनलाइन क्लास है ऑब्वियसली इतनी बेहतर समझ नहीं आती।